बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का महाराष्ट्र मीरा भाई नदर में आगमन और नाना पोटावले का धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध ट्वीट। इस पर होगा कांग्रेस प्रवक्ता राहुल पिंगले से बात कि आपकी कांग्रेस हर बार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करती है, क्या वजह है? राहुल पिंगले ने बताया, बाबा आय कथा करें, प्रवचन करें, जो कि उनका काम है, पर नहीं, वो हर बार महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर बैठकर संतों के खिलाफ विवादित बयानबाजी करते हैं। महाराष्ट्र बयानबाजी करते हैं, महाराष्ट्र में संत शिरोमणियों की भूमि है, यहाँ पर धर्म एक समान है और बाबा हर बार इसी भूमि पर विवादित बयान देते हैं, जातिवाद पर विवादित बयान देते हैं, जैसे पिछली दफा तुकाराम महाराज जी पर विवादित बयान दिए थे, और शिरडी के साई बाबा जो कि महाराष्ट्र की शान है, एक बड़ा तीर्थ है, साई बाबा के खिलाफ भी विवादित बयान दिया था जो किसी भी संत को शोभा नहीं देता। ये विवादित बयान महाराष्ट्र की भूमि पर ही क्यों? मैं राहुल पिंगले से पूछता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री से हर बार महाराष्ट्र में ही विवादित बयान क्यों देते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा था कि पूर्व में जाति व्यवस्था थी पर जातियां नहीं थी, फिर उसी बात पर कहते हैं भगवान कृष्णा यादव थे, श्री राम क्षेत्रीय थे, इसी प्रवचन में एक पिछड़े जाति की महिला महाराज के चरण स्पर्श करने की कोशिश की पर महाराज ने नहीं करने दिए। इस तरह तो महाराज जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में जातिवाद का पुरजोर विरोध करती है और करती रहेगी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने तो सुभाष चंद्र बोस को भी नहीं बख्शा। अपना नाम बता दीजिए और बागेश्वर धाम बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज फिर एक बार महाराष्ट्र में मुंबई में आ रहे, कांग्रेस का लगातार विरोध है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आदरणीय राहुल पिंगळे भी ठाणा कांग्रेस का प्रवक्ता है। बागेश्वर धाम बाबा महाराष्ट्र में आ रहे, महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है पर इन संतों की भूमि में आके हर बार विवादित बयान करना, बाबा को महाराष्ट्र में आना चाहिए, कथा प्रवचन निरूपण करना चाहिए, पर हर बार आके कुछ न कुछ विवादित बयान करना, जाति के आधार पर, धर्म पे आधार पर इन बयानबाजी का कांग्रेस विरोध करती है। सर लगातार प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले विरोध कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से नागपुर में उनका जो अधिवेशन हुआ था उस दौरान उन्होंने जो है अंधश्रद्धा निर्मूल समिति की तरफ से जो चैलेंज था उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद फिर वो वापस अपने मध्य प्रदेश चले गए थे। कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध हो रहा है कि जो मेरा बंदर में जो उनका सभा होने वाली उसको जो है ना परमिशन दी जाए, थाने में कांग्रेस की तरफ से क्या रहेगा उसमें? देखिए ये तो सही बात है, परमिशन के लिए मैं नहीं बोलूंगा लेकिन उनको चेतावनी जरूर दी जाए कि हर बार आके महाराष्ट्र में विवादित बयान करना, जैसे कि तुकाराम महाराज जी पे उन्होंने कहा था वैसे साईं बाबा जी के बारे में भी उन्होंने ऐसे ही विवादित बयान किया था, और इन विवादित बयानों के साथ में हनुमान जी के बारे में उन्होंने कहा था श्री कृष्ण भगवान यादव समाज से है, भगवान राम क्षत्रिय समाज से है, पूर्व पर जाति व्यवस्था थी लेकिन जाति नहीं थी, ऐसे जाति आधार पे भी उन्होंने कहा था, और निचले जाति का होने की वजह से एक को पाव भी उन्होंने छूना नहीं दिया था, ये उनका पूर्व इतिहास रहा है। और हर बार जो विवादित बयान महाराष्ट्र की भूमि में करते हैं, महाराष्ट्र में सब एको पैसे रहते हैं, कोई धर्मभेद जाति भेद यहाँ पे है नहीं, तो मेरे को पुलिस से ये विनती है कि पुलिस उनको नोटिस दे कि आपसे इस बार किसी तरह का विवादित बयान यहाँ पे किया जाए, आप कथा कीजिए, निरूपण कीजिए और जागृति कीजिए, लेकिन किसी तरह का विवादित बयान इस बार किया गया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और आपने जो कहा श्याम मानव जी के बारे में, श्याम मानव जी ने जो मुद्दे उठाए हैं कि महाराष्ट्र में जादू टोनी बंदी कायदा विधेयक यहाँ पे लागू है, तो उस एंगल से भी उसे देखना पड़ेगा। श्याम मानव जी ने अगर कहा है तो उनका चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए ना, और जो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, नहीं तो पूरी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वो क्लोज कर देंगे, जादू टोना बंदी जो विधेयक है वो महाराष्ट्र में वो बंद कर देंगे, तो उनको दिखा दे वो, और वो जितने उनके जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले उनके शिष्य बन जाएंगे, उनकी शिष्य संख्या बढ़ेगी ना। देखो ये पुरोगामी महाराष्ट्र है, पुरोगामी महाराष्ट्र में जैसे कि मैंने कहा कि हर बार उनका विधान विवादित रहा है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी जो उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसको प्रेरित होकर उन्होंने कहा था कि आप मेरे साथ में आओ मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, इस तरह के जाति भेद पे आधारित विवादित बयान
संतों के आधारित विवादित बयान उनके द्वारा किए गए तो कांग्रेस उसका जम पुरजोर विरोध करेगा।